हर प्रकार की कला प्रदर्शनात्मक है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों से जुड़ने के लिए है, वो आनंद के लिए। ये हमारी सारी कला का इतिहास रहा है। अब कला तो वैदिक गायन में भी कला है, वेद का पाठ भी कितना सुंदर लगता है, किसी की उपासना करना, किसी देवता की उपासना करना, उसमें भी कला है, अपनी प्रेमिका को कुछ सुनाना, गायन करना, उसमें भी कला है। तो अलग अलग कलाएं जब मिल जाती हैं, साधन मिल जाते हैं, अगर उसमें रस की उत्पत्ति हो तो वो कला है। ये जो हमारा सिद्धांत था, इसके पीछे क्या सिर्फ आनंद लेना ही था? नहीं, इसमें ये भी था कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका भी उपदेश आपको मिलना चाहिए। आज का विषय आपके समक्ष और मेरे समक्ष है परफॉर्मिंग आर्ट्स। इनका इतिहास क्या है, क्या इनकी शक्ल सूरत रही पिछले 4-5 हज़ार साल से, जिसका हमें रिकॉर्ड मिलता है, होगा तो उससे पहले भी, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन जिसका प्रमाण मिलता है वही इतिहास है। उससे पहले संसार था, लेकिन प्रमाण नहीं मिलता तो वो इतिहास नहीं कहलाता। तो जिसको आप परफॉर्मिंग आर्ट्स कह रहे हैं, वो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक क्या रहा है, आजकल क्या है, और भविष्य में क्या होगा। देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या है, पहले तो ये समझिए। परफॉर्मिंग आर्ट्स तो अंग्रेज़ी का शब्द है, ए फ्रेज बिलोंगिंग टू एनी इंडियन लैंग्वेज। संस्कृतम का नहीं है, मलयालम का नहीं है, कन्नड़ इत्यादि किसी का। तो ये विदेश से आया परफॉर्मिंग आर्ट्स, लेकिन अब बहुत प्रचलित है। अंग्रेज़ी प्रचलित है तो ये भी प्रचलित है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ अंग्रेज़ी में कुछ होता है और भारत में कुछ और होता है। और हम जो इस्तेमाल करते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज होकर करते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि हम परफॉर्मिंग आर्ट से क्या मतलब निकाल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स का मतलब सीधा सीधा तो ये हुआ कि वो कलाएं जिसमें कुछ प्रदर्शन हो। हिंदी में परफॉर्मिंग आर्ट्स का अनुवाद हो गया प्रदर्शनात्मक कला। तो ये बड़ी विडंबना है भारतवर्ष में कि अंग्रेजी की जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे आर्ट्स हो, उसकी अंग्रेज़ी शब्दावली का हिंदी मलयालम इत्यादि अनुवाद करके हम समझ रहे हैं। और जो हमारे यहाँ इतना लंबी परंपरा है, जो इन सब चीज़ों के लिए हमारी शब्दावली बनी हुई है, टर्मिनोलॉजी बनी हुई है, परिभाषाएं बनी हुई हैं, हम उनको नहीं जानते। तो भारत में प्रदर्शन कलाएं तो थी, उनको क्या कहते थे? और वो प्रदर्शन कलाएं क्यों नहीं कहलाती थी? हम भी तो उनको कुछ इस तरह से कह सकते थे। हमने ये शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो हमने क्या शब्द इस्तेमाल किए? देखिए, इसको ज़रा समझिए, तब आपको ये पता लगेगा कि विषय क्या है, हम किस चीज़ पर विचार कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो कलाएं थी,
संगीत था, काव्य था, हमारे यहाँ चित्र था, हमारे यहाँ नाटक था, हमारे यहाँ तरह तरह के चित्र थे, शिल्प था, पत्थर में शिल्प, उसके अंदर शिल्प, क्या कहते हैं, लकड़ी में शिल्प, और तरह तरह की चीज़ों को बनाकर, लुगदियाँ बनाकर, जिसको प्राचीन काल में पुस्त कहते थे, जिससे पुस्तक शब्द निकला है, ये इस तरह से बहुत कुछ बनाते थे लोग, और चमड़े से आकार बनाकर चमड़े की पुतलियाँ दिखाते थे और उससे नाटक होता था। इतने सारे माध्यम थे जिनके द्वारा प्रदर्शन होता था, लेकिन हमने प्रदर्शन तो किया, लेकिन हमने उनको प्रदर्शनात्मक कला नहीं कहा, क्योंकि प्रदर्शन हमारे लिए मुख्य नहीं था। हमारे लिए मुख्य क्या था? संवाद। एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, जो बात कही जा रही है, प्रदर्शन कला के भीतर क्या है, वो प्रमुख था। तो संगीत आप सुनते हैं, संगीत में क्या मिलता है आपको? आनंद मिलता है, रस मिलता है। आप कोई बहुत सुंदर चित्र देखते हैं तो कहते हैं आह, उसमें भी आनंद मिलता है, उसमें आप खो जाते हैं, देखते रहते हैं और चीज़ों को भूल जाते हैं कुछ समय के लिए, तो उसमें भी वही रस मिलता है, शिल्प में भी वही मिलता है। नाटक देखने जाते हैं, पुराने ज़माने में नाटक होता था, आज के ज़माने में फिल्म होती है, लेकिन वो नाटक की तरह से है, उसमें हम खो जाते हैं। तो सबके लिए हमारे क्या चीज़ थी जो हमारे लिए वहाँ सबसे अधिक महत्व रखती थी, और वो महत्व रखती थी आनंद या रस। तो जो विद्या, जो क्रिया हमें रस दे, चाहे वो संगीत है, चाहे वो शिल्प है, चाहे वो नाटक है, चाहे वो कोई पाठ है, चाहे कविता का गान है, तो वो सब हमारे लिए कला थी और उससे हमें रस की प्राप्ति होती थी। ये प्रदर्शनात्मक कला और अप्रदर्शनात्मक कला, ये पश्चिम में पिछले 200-300 साल में ये विभाजन हुआ। अब शिल्प है, आप कहते हैं साहब शिल्प क्या है? शिल्प से मतलब समझे आप, जिसको स्कल्पचर कहते हैं, मूर्तियां जो हैं, तो उनका प्रदर्शन नहीं होता क्या? मंदिरों पर करोड़ों मूर्तियां भारत में हजारों साल में बनाई गई, तो वो अप्रदर्शित थी क्या? वो बोलती नहीं थी क्या? कहती नहीं थी कुछ? लोगों के सामने नहीं थी? वो भी प्रदर्शित थी। तो केवल प्रदर्शनात्मक कला, परफॉर्मिंग आर्ट्स उनको कहा गया जिसमें स्टेज पर कुछ हो रहा है। तो स्टेज तो हमारे यहाँ था, लेकिन जो चीज़ें स्टेज पर होती थी वो और बहुत जगह भी होती थी। वो मंदिरों में होती थी, दीवारों के ऊपर मूर्तियाँ थी, चित्र थे, मंदिरों के अंदर हजारों चित्र बना करते थे। अब वो सब धूमिल हो गए, मिट गए। भारत में ही नहीं, ग्रीस में भी हुआ करते थे। ग्रीस के अंदर भी कोई मंदिर अनपेंटेड नहीं होता था, चित्र बना होता था। तो वो सब प्रदर्शन था। हाँ, थोड़ा बहुत प्रदर्शन चर्च में भी होता था, चित्र बनते थे, क्राइस्ट की जीवनी के चित्र, उनके जन्म,
उनका बड़ा होना, फिर सूली पर चढ़ना, फिर स्वर्ग जाना, ये सब उसमें भी होता था। हाँ, लेकिन चर्च में नृत्य नहीं होता था, चर्च में नाटक नहीं होता। तो वहाँ इस तरह की विद्याएं नहीं थी उनके यहाँ। हमारे यहाँ तो ये सब होता था, मंदिर में शिल्प भी बना हुआ है और मंदिर के अंदर मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं और वहाँ नृत्य भी हो रहा है, नृत्य मंडप में भी हो रहा है, भगवान के आगे भी हो रहा है। आप जो लोग उड़ीसा से हैं या जो बंगाल से या और आगे से, तो आप देखिए वहाँ निरंतर नृत्य होता है, साधना के साथ भगवान की पूजा अर्चना नृत्य के साथ ही होती है। तो ईसाइयों में नहीं होती थी, यूरोप में नहीं होती थी, अति प्राचीन काल में ग्रीस में होती थी, रोम में होती थी, ईसाइयों में नहीं। तो इसलिए उन्होंने विभाजन कर दिया प्रदर्शन कला और अप्रदर्शित कला, और अप्रदर्शित कला में उन्होंने स्कल्पचर को रख दिया और सब रख दिया। और ये सब पूरे इसकी व्याख्या जो बनी, इसका जो उस विभाजन हुआ, ये आधुनिक विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक हुआ। तो डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो उसमें लिटरेचर नहीं होगा, वो लिटरेचर लैंग्वेज डिपार्टमेंट में होगा, इंग्लिश फ्रेंच जर्मन डिपार्टमेंट में। लेकिन भारत में तो ऐसा कौन सा संगीत है जिसमें काव्य नहीं है? इतना बड़ा भारत है, इतनी भाषाएं हैं हमारी, सब में संगीत में काव्य होता है। वो प्राचीन काल से ही बना हुआ है सिद्धांत कि संगीत वो है जिसमें स्वर है, ताल है और पद है। बिना पद के संगीत नहीं होता। इन इंडियन म्यूजिक देयर हैज टू बी पोइट्री। गांधर्वम इति तज्ञेयम् स्वर ताल पदात्मकम्। गांधर्व संगीत का पुराना नाम है, वो संगीत का पुराना नाम ये कहता है कि क्या होता है जिसमें स्वर है, ताल है और पद है। पद का मतलब काव्य। तो हमारे भारत में ये विभाजन ही नहीं था। और जो मूर्तियाँ मंदिरों पे बनी हुई हैं, नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं, वो सब हमको रंग मंडप में दिखाई देती थी, रंग भूमि पर, स्टेज पे। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है, पहले ये समझ लीजिए कि परफॉर्मिंग आर्ट्स एक मॉडर्न यूरोपियन क्लासिफिकेशन है, भारत से उसका कोई संबंध नहीं। आप किसी भी अच्छे से अच्छे बड़े हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हैं, बर्कले, कहीं के भी प्रोफेसर से साफ कहिए, प्लीज़ दिस इज़ योर क्लासिफिकेशन, इट इज़ लिमिटेड, इट इज़ डिस्टॉर्टेड। फॉर अस देर इज़ नो सच क्लासिफिकेशन। हमारे यहाँ फिर क्या कला है जिसमें हम प्रदर्शन या बोलते हैं? हमारे यहाँ वो कला है नाट्य। नाट्य तो उसमें जो नट है, जो एक्टर है या एक्ट्रेस है, जो बोलने वाली, नाचने वाली, गाने वाली, वो सब होती है। वो काव्य भी बोलती है, काव्य भी गाती है, नृत्य भी करती है, अभिनय भी करती है, सारी चीज़ वो कर सकती है। तो हमारे यहाँ नाट्य में पूरा प्रदर्शन है। मेरी बात यहाँ से वहाँ जाती है, स्टेज से ऑडियंस तक जाती है, उसी को हम अभिनय कहते हैं। अभिनय का अर्थ होता है किसी बात को स्टेज से लोगों तक पहुँचाना। यस्मात् प्रयोगम नयते तस्मात् अभिनय स्मृतः।
अभिनय किसको कहते हैं, किसको जाना गया है, जहाँ से प्रयोग ले जाया जाता है। तो प्रयोग को रंगमंच से ऑडियंस तक, सामाजिकों तक ले जाना अभिनय है, कम्युनिकेशन अभिनय है। तो कम्युनिकेशन अब एक नया शब्द आ गया, लेकिन हमारे यहाँ बहुत पुरानी विद्या यही है। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स की मैंने आपको डेफिनेशन दी। अब हम आते हैं कि पहले परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या थी भारत में। भारत में सब प्रकार की परफॉर्मिंग आर्ट्स रही हैं, और भारत में ये भी नहीं रही है कि कुछ आर्ट्स सेक्युलर हैं और कुछ रिलीजियस हैं। ये भी एक बिल्कुल गलत। सेक्युलर क्या होता है? जो नॉन रिलीजियस हो, अगर उसमें भगवान का नाम आ गया तो वो सेक्युलर नहीं रहा। तो ऐसा कुछ नहीं था, और यूरोप में भी ऐसा नहीं था, मेडिवल यूरोप में भी नहीं था, एंशिएंट ग्रीस और रोम में भी नहीं था। ये सब पिछले 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ है, जो लोगों ने कहा कि केवल वर्ल्डली मैटर्स की बात करो, तो थोड़ा बहुत इश्क की बात करो, रोमांस की बात करो, तो वो सेक्युलर है, और अगर भगवान से इश्क की बात कर दी तो वो रिलीजियस हो गया। तो अब भारतवर्ष में तो ये पता ही नहीं लगता कि जब ये कहा जा रहा है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तो ये भगवान के लिए कह रही है या अपने प्रेमी के लिए कह रही है या दोनों के लिए कह रही है। ये तो दोनों के लिए होता है। जयदेव ने जो अपना गीत गोविंद लिखा, उसने शुरू में ही कह दिया कि ये प्रेम की कविता भी है और ये भगवान की उपासना की भी है। अगर भगवान में मन लगता है तो ये तुम्हारे लिए ये भक्ति काव्य है, और अगर तुम भक्त वगैरह नहीं हो, भगवान की इच्छा नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा काम शास्त्र है। अपनी प्रेमिका को पटाओ, ये पढ़ो और देखो कैसे प्रेमिका के मन में जगह बनाई जाती है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ऐसे डिविजन में आ जाए। तो कलाएं हर प्रकार के लिए थी। ये डिविजन नहीं था कि कुछ उपयोगी कलाएं हैं और कुछ सौंदर्यात्मक कलाएं हैं। एक ये डिवीज़न भी वेस्ट में हुआ, यूटिलिटेरियन आर्ट्स। मकान बनाना यूटिलिटेरियन है, तो क्या आप भद्दा भोंडा मकान बनाते हैं, उसे खूबसूरत नहीं बनाते? जितनी श्रेष्ठ संस्कृतियां हुई, उन्होंने सुंदर सुंदर भवन बनाए हैं, इतने सुंदर सुंदर मकान बनाए हैं हमेशा। तो कला, हर प्रकार की कला प्रदर्शनात्मक है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों से जुड़ने के लिए है, वो आनंद के लिए। ये हमारी सारी कला का इतिहास रहा है। अब कला तो वैदिक गायन में भी कला है, वेद का पाठ भी कितना सुंदर लगता है, किसी की उपासना करना, किसी देवता की उपासना करना, उसमें भी कला है। अपनी प्रेमिका को कुछ सुनाना, गायन करना, उसमें भी कला है। तो अलग अलग कलाएं जब मिल जाती हैं, साधन मिल जाते हैं, अगर उसमें रस की उत्पत्ति हो तो वो कला है। कला कहाँ है? जहाँ रस है। रस का क्या अर्थ है? कि आपको वो चीज़ मिली जो अन्यत्र नहीं मिलती। दुनिया में गन्ने का रस तो मिलता है, अंगूर का रस भी मिलता है, तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपको एक ऐसा रस नहीं मिलता जो आप बार बार चखना चाहते हैं। वो काव्य में, वो संगीत में, वो शिल्प में, वो चित्र में, वो फिल्म में, वो नाटक में, वो वही मिलता है। जीवन में जिस चीज़ से आप दुखी होते हैं और आप चाहते नहीं, वो भी आपको कला में अच्छी लगती है।
आपको बड़े करुण प्रसंग भी काव्य में अच्छे लगते हैं, लगते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आप देखें कि पड़ोसी की बीवी खो गई और वो रो रहा है, लेकिन आप रामायण देखने जाते हैं जिसमें राम सीता के लिए रो रहे हैं, वो उसमें आपको आनंद आता है। तो जो जीवन में दुखी प्रसंग है, जो जीवन के अंदर दुख है, वो भी हमारे लिए सुख में बन जाता है। ये कहाँ होता है? केवल कला में होता है। अगर कहीं और होता हो तो बताइए मुझे। सामान्य आदमी के लिए, या सामान्य से मतलब जिसको थोड़ा बहुत भी कला अच्छी लगती है, उसको ये सुलभ है। इसीलिए लोग फिल्म देखने जाते हैं। सबसे ज़्यादा फिल्म या नाटक क्यों देखते हैं? पुराने ज़माने में भी नाटक से अधिक पॉपुलर कुछ नहीं था। काव्येषु नाटकम रम्यम, ये कहा गया था कि कविता में यानी क्रिएटिव राइटिंग में सबसे अच्छी विधा क्या है? नाटक। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमारा सिद्धांत था, इसके पीछे क्या सिर्फ आनंद लेना ही था? नहीं, इसमें ये भी था कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका भी उपदेश आपको मिलना चाहिए। देखिए, एक बात क्या होती है कि मैं आपको उपदेश दे दूं, झूठ मत बोलो, इधर उधर मत आंखें घुमाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, कम खाओ, ये तो सीधा सीधा उपदेश हुआ। लोग सुन लेते हैं, बोर हो जाते हैं, सुनते भी नहीं। और एक ऐसा उपदेश होता है कि जो बड़े ढंग से, प्रेम से, रस के साथ दिया जाता है कि देखिए, ये कहानी सुनाई जाती है, उस कहानी में कई पात्र होते हैं और वो पात्र तरह तरह का कुछ काम करते हैं और उसका एक परिणाम होता है। तो परिणाम अच्छा जहाँ होता है और जो करने वाला व्यक्ति उसको कर देता है, वो हीरो कहलाता है। और वो करता क्या है? वो ऐसा करता है कुछ जो दूसरे नहीं कर पाते, उसे तो आप हीरो कहते हैं। हीरो हैज़ टू बी स्पेशल इन सम वे, मे बी इन अ स्मॉल वे, बट हीरो शुड बी गुड, ही शुड बी स्पेसिफिक, और उसे एबनॉर्मल हो, और अगर बहुत एबनॉर्मल हो तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आप कहते हैं ये अद्भुत है। वो कला में जहाँ मिलता है वो आनंददायक भी होता है और शिक्षा भी देता है कि मैंने ये काम किया। अब वो काम सिर्फ अपने लिए करा तो आपको कोई परवाह नहीं होगी। आप उसने सिर्फ अपने खातिर ये कुछ कर लिया, अली बाबा की तरह से बहुत करोड़ों अरबों का सोना इकट्ठा कर लिया, तो आपको कोई चिंता नहीं होगी। वो जब होगी जब उसने कुछ ऐसा किया जो आपके जीवन में भी शिक्षाप्रद हो, फिर हम उसकी कहानी कहते हैं, हम उसकी बात बताते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ, ये बार बार सुनने लायक है। तो इसलिए जो बड़े बड़े हीरोज हैं, जैसे कर्ण, कर्ण एक दानी है, तो दान देने वाला जो व्यक्ति है उसकी कहानी है आप बार बार सुनते हैं कि उसने ऐसा किया। तो उसने जो काम किया किस लिए? जो उसने वचन दिया था, तो आपको शिक्षा मिली कि जो मैं वचन दूं वो मैं पूरा करूं। समाज की ये एक वैल्यू है। तो भारतवर्ष में ये बहस नहीं चली कि कला केवल आनंद लेने के लिए है या कला केवल शिक्षा देने के लिए, ये पश्चिम की बहस है और इसके ऊपर वही लड़ाई होती है। जितने मार्क्सवादी हैं वो कहते हैं नहीं नहीं कला तो क्रांति कराने के लिए है, विचार बदलने के लिए है,
गरीब को ऊपर उठाने के लिए, अगर उसमें वो सब नहीं है तो कला बिल्कुल बेकार है, छोड़ दो। और जितने ऐसे लोग हैं पश्चिम में आर्ट फॉर आर्ट सेक वाले, कि कला का कोई प्रयोजन नहीं होता, सिर्फ वो विशुद्ध आनंद के लिए होती है, ऑस्कर वाइल्ड जैसे, तो उनका एक मत जो है वो भी सर्वमान्य नहीं होता। भारतवर्ष में ये बहस चली नहीं। सबसे पहले शुरू से ही नाट्यशास्त्र के पहले अध्याय में ही ये सेटल हो गया कि ये शिक्षा के लिए भी है, जीवन कैसे जीना है उपदेश के लिए भी है, और रस के लिए भी है, आनंद के लिए भी। तो ये तो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स का, हमारी कलाओं का इतिहास है। अब सवाल उठता है कि आज क्या हो रहा है। आज कलाएं हैं, कलाओं का विकास है, कलाएं सर्व सुलभ हैं। पहले कम लोगों में होती थी, लेकिन जैसे जैसे भारत में मिडिल क्लास बढ़ा, वैसे वैसे कला का ज्ञान भी लोगों में बढ़ा। लेकिन कला का प्रयोजन सिर्फ कला के बारे में पढ़ने से सिद्ध नहीं हो जाता। आज की तारीख में आपको जो आर्ट एजुकेशन दी जाती है वो क्या है? आप एक डिप्लोमा कर लीजिए, आप एमए कर लीजिए, आप बीए कर लीजिए परफॉर्मिंग आर्ट्स में या किसी में, तो उसमें आप सीखते हैं कि इतने किस्म के ड्रामा होता है, इतने किस्म की पोइट्री होती है। किताब आपने किताब पढ़ ली, मत पढ़ लिया, विचार पढ़ लिया, प्रैक्टिस नहीं की। आपने कलम उठाकर चित्र नहीं बनाया, आपने नाटक नहीं खेला, आपने कविता लिखनी नहीं सीखी। तो आज जितना भी आर्ट अप्रिसिएशन है ये कला के विषय में है, ये कला की प्रैक्टिस नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि हम अक्सर ये नहीं जानते, अक्सर ये नहीं समझ पाते, हमारे दिमाग में जो भ्रम पैदा हो जाता है कि जो कला की डेफिनेशंस हैं और कला का जो प्रयोजन है वो क्या है। क्योंकि पश्चिम में इसके प्रयोजन अलग हैं। आपसे हमसे आपने पूछा कि क्यों कला में हम इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमने कहा उसमें रस है, उसमें शिक्षा है, ये दोनों चीज़ें हैं। बड़ा स्पष्ट है उत्तर, आप पश्चिम में पूछिए, बड़े बड़े प्रोफेसर सिर खुजलाते रह जाएंगे। दे आर नॉट क्लियर व्हाट इज़ आर्ट मेंट फॉर, और देर आर मेनी थियोरीज अबाउट इट। और वह हमेशा आर्ट का, पिछले 200-300 साल में आर्ट का एक सामाजिक प्रयोजन रहा है। केवल सामाजिक प्रयोजन तो हमारे यहाँ भी है, अगर आपकी ज़िंदगी को हम बेहतर बनाते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, तालीम देते हैं, तो सामाजिक प्रयोजन हो गया। लेकिन किसी एक फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए, एब्सर्डिज्म को, एग्जिस्टेंशलिज्म को, मार्क्सिज्म को, प्रगतिवाद को, सौंदर्यवाद को, इसको आगे बढ़ाने के लिए कला नहीं है भारत में। शिक्षा जो है वो जनरल शिक्षा है, इतनी शिक्षा है कि सदाचारी बनिए, दूसरों की सेवा कीजिए, चोरी मत कीजिए, अच्छा जीवन, कर्म के सिद्धांत में विश्वास कीजिए, आत्मबल रखिए, इसके अधिक शिक्षा नहीं है कि आपको क्रांति करनी है। अगर कहीं दुनिया के किसी दूसरे कोने पर किसी पर हमला हो गया है तो उसके लिए प्लेकार्ड लगाकर खड़े हो जाना है, कह रहे अरे वो फिलिस्तीनियों को मार दिया इसराइल ने, तो चलो हम प्रदर्शन करेंगे। नो, अपने और अपने समाज के जीवन को सुधारने के लिए है। सामान्य जो मोरालिटी है, सामान्य धर्म जो है उसके लिए है, और आनंद की प्राप्ति के लिए। क्यों?
क्योंकि उससे आपका मन स्वस्थ हो जाता है. द ग्रेटेस्ट एम्फेसिस इज ऑन क्लेंजिंग ऑफ द इनर सेल्फ, अपने अंतर मन को स्वस्थ बनाने के लिए है कला. जो व्यक्ति कला की साधना करते हैं वो अच्छा जीवन जीते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं, मन और शरीर उनका अच्छा होता है, जीवन को सुधार लेते हैं. ये कला का एक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, आज की भाषा में कहें, पुरानी भाषा में भावात्मक पक्ष है, आपके भावों को अच्छा करता है. अब सवाल उठता है कि कला का फ्यूचर क्या हो, भारतीय कला कहाँ जाए. तो पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा युवाओं के लिए कि आप स्वयं किसी ना किसी कला की थोड़ी बहुत साधना कीजिए. कला केवल सोचने के लिए नहीं कि देखो मैं कलात्मक हूँ, मैं सुबह सुबह कॉफ़ी पीती हूँ तो मेरा कप जो है वो सिरेमिक का बना हुआ है, बोन चाइना का, बड़ा अच्छा है, टेबल पे रख कर मेड मेरे को चाय पिलाती है. दिस इज़ नॉट आर्ट. ये अच्छा है, सजावट बढ़िया होनी चाहिए घर की, ये भी अच्छी बात है. आपको किसी ना किसी एक कला की थोड़ी बहुत साधना करनी चाहिए, और स्त्रियों को विशेषकर. क्यों स्त्रियों को क्यों ज़्यादा करनी चाहिए? क्योंकि स्त्रियां स्वभावतः सुंदर होती हैं, तो उनका सौंदर्य और निखर आता है, उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व और कलात्मक हो जाता है. कला से जीवन के जितने भी अच्छे पक्ष हैं वो उभरते हैं. इसलिए आप जो भी आपको अच्छा लगता हो वो करिए. पेंटिंग अच्छी लगती है तो पेंटिंग करिए, संगीत अच्छा लगता है तो संगीत करिए, और कौन सी विद्या करिए, अपने समाज की, अपने देश की. अब मैं ये नहीं कहता कि आप विदेश की कोई विद्या मत सीखिए. आप ऑर्केस्ट्रा में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक सीखना चाहती हैं, सीख लीजिए, लेकिन थोड़ा सोच करके कितनी दूर तक हो जाएगा, कितने लोगों के साथ आप करेंगी, ये सब सोच कर. तो भारत की जो विद्याएं हैं वो सहज हैं, सरल हैं. आप थोड़ा बहुत उनकी साधना करेंगे तब आपका भविष्य बन जाएगा, देश का भविष्य बन जाएगा. इसमें और कोई बड़ी बात नहीं. क्यों? क्योंकि कला एक साधना है, कला एक इन्फॉर्मेशन नहीं है. कला सोच विचार करने की, सिर खुजाने की कि एस्थेटिक्स क्या होता है, व्हाट इज एस्थेटिक्स, ये नहीं है. वो करने की चीज़ है, और इतनी सारी कलाएं हैं भारत के अंदर, तो इतने प्रकार की कलाएं हैं, और कोई कला जो होती है वो छोटी नहीं होती, क्योंकि हर कला का लक्ष्य एक ही होता है, रसात्मकता, सौंदर्य, रम्यता, चीज़ों को, हमारे वातावरण को सुंदर बनाना. अब आप में ये समझ आ जाएगी तो आप एनवायरनमेंटल स्टडीज़ भी बेहतर कर पाएंगे, और अगर आप कला विहीन हैं तो आप एनवायरनमेंट को भी अच्छा नहीं कर पाएंगे. कला के अंदर संवेदना उत्पन्न होती है, क्योंकि आप किसी को दिखाते हैं कुछ करके, तो आपको एक ऑडियंस चाहिए, आप कम्युनिकेट करेंगे, आप दूसरों से मिलेंगे, जुड़ेंगे. अगर आप नाटक करते हैं तो घर में ही थोड़ी कर लेंगे, लोगों के सामने करेंगे. तो कला हमें एक दूसरे से जोड़ती है, और ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि साहित्य संगीत कला विहीन. वो क्या होता है, जैसे जानवर बिना सींग और बिना पूंछ का जानवर, पुच्छ विषाण हीन. तो वो लोगों ने गलत नहीं कहा है. इसलिए मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए, और यही कला का भविष्य है, इसमें अपनी परंपरा को देखकर आगे बढ़ाना चाहिए, और उसमें मन लगाना चाहिए. अब देखिए, मैंने आपके सामने ये
30-35 मिनट तक कुछ बातें कहीं। अब मैं चाहता हूं कि आप स्वच्छंद रूप से मेरे से प्रश्न पूछिए। थैंक यू सर, प्रणाम, नमस्ते। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स इज जस्ट एंटरटेनमेंट, भोग की वस्तु, आनंद लेने की वस्तु, पर हमारे लिए ऐसे नहीं है, इट इज साधना। तो हम क्या हम इसको इससे रिलेट कर सकते हैं कि उन लोगों के लिए द रिलीजन और द आइडियोलॉजी दैट दे फॉलो, It is definite that for them there is a difference between heaven and earth. For them भगवान की वास heaven में होते हैं और पृथ्वी जो है वो पूरा भोग की वस्तु है। समझ गया आपकी बात, समझ। And for us it is the Advait way. पृथ्वी में ही भगवान की manifestation. सर्वमिदं खलु ब्रह्म। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्या है, इसमें केवल heaven की बात नहीं है, क्योंकि सेक्युलरिज्म नाम की चीज़ पश्चिम में कोई 300-400 साल से आई है, उससे पहले नहीं थी। तो जो कला पहले थी उसमें ईश्वर, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर पर विचार, किसी भी प्रकार का, हेवन में हो, ईसा हो, ईसा के पिता हो, इत्यादि, ये सब था। और काव्य भी, बहुत काव्य लिखा गया पश्चिम में, जो जिसको आज हम धार्मिक काव्य कहेंगे, यानी 600 साल पहले लिखा गया तक बहुत लिखा गया। और इसी तरह से संगीत इतना था और अभी कहीं कहीं बाकी है जो कि उपासनात्मक संगीत है। तो इसका हेवन से इतना मतलब नहीं है, इसका मतलब यानी परलोक और इहलोक से नहीं है, इसका सीधा सीधा संबंध है कि उनका ईश्वर में से विश्वास हट गया, वहाँ नास्तिकवाद बढ़ गया। अभी जो नए आंकड़े आए हैं तो उसमें अधिकांश लोग कहते हैं अमेरिका में कि हम कोई 25-30% के हम तो नास्तिक हैं, हम किसी प्रकार के दिव्य सत्ता को नहीं मानते। तो जब आपका लक्ष्य बदल जाता है तो कला को भी आप उसी ओर मोड़ देते हैं जो आपका लक्ष्य है, ये सबसे बड़ा कारण। सर प्रणाम, मैं चंद्र पीयूष वाजपेयी। आपने कहा कि कला की साधना करिए, साधना करके मतलब क्या हम ब्रह्म पे पहुंच सकते हैं कला के थ्रू? सर मतलब हाँ, अगर हाँ पहुंच सकते हैं तो वो बारीक अंतर क्या है, जब आप एक रास्ता तो ब्रह्म की ओर ले जाता है और दूसरा सिर्फ भोग विलास की तरफ, वो बारीक फर्क क्या है जो हमें ब्रह्म और भौतिक जगत में ले जा सकता है? हाँ देखिए, इनका बड़ा बारीक प्रश्न है, कई चीज़ें इनके प्रश्न में आती हैं। अब इसको ज़रा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा उत्तर भी लंबा होगा। इनकी जिज्ञासा है कि कला का लक्ष्य क्या है, कला हमें कहाँ ले जाती है, क्या मतलब है कला करके हमें क्या मिलेगा? भाई माया मिलेगी या राम मिलेंगे, या ना माया मिलेगी ना राम मिलेंगे, कुछ और ही हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि कुछ को ना इधर निष्फल लोग होते हैं, नहीं मिलते। कला का मैंने आपको प्रयोजन बताया बड़े स्पष्ट शब्दों में कि उसका लक्ष्य है लोक कल्याण और रस, और रस क्या है ये भी बता दिया कि ये एक अद्भुत अवस्था है, ये वैसे नहीं मिलती आपको। जैसे कहा कि कितनी ही कारुणिक परिस्थिति हो, अगर नाटक में है तो उसमें रस मिलेगा, जीवन में है तो दुख मिलेगा, ठीक है। तो ये कला का लक्ष्य है, और दूसरों को शिक्षा मिलना, अच्छी तरह से शिक्षा देना उनके जीवन को, लोक कल्याण, पुरानी भाषा में वर्णाश्रम धर्म की संरक्षणा, ये पहले नाटशास्त्र में ऐसे कहा गया
उसका अर्थ यही है कि जो भी आपकी सोसाइटल वैल्यूज़ है उनको प्रोटेक्ट करना, मतलब कला के द्वारा अगर आप ये दिखाने लगें कि रेप कितना एक्साइटिंग होता है, पोर्नोग्राफी हो जाएगा, फिर वो कला थोड़ी रहेगी। ऐसा भी तो दिखाते हैं ना, ऐसा भी तो करते हैं। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि अच्छा क्या है वो करना है। ये अब सवाल ब्रह्म, देखिए इतना तो बताया गया कि कला में रस की जब प्राप्ति है और रस आपको ऊपर उठा रहा है, रस एक ऐसा अद्भुत अनुभव करा रहा है कि जो संसार में नॉर्मली नहीं होता, तो जब वो होता है तो उस समय आपकी मन स्थिति क्या होती है? बहुत ही रिफाइंड होती है, सात्विक होती है। तब आप में रस का उद्रेक होता है, सात्विकता का उद्रेक होता है, निष्पक्ष होते हैं आप, स्वार्थी नहीं होते, अपने ऊपर केंद्रित नहीं होते। भाई मैं नाटक देखने जा रहा हूँ, हीरो और हीरोइन की काम क्रीड़ा देख रहा हूँ, उनके लव अफेयर स्टेज पर देख रहा हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहता अरे 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 ये लड़की पकड़ के घर ले जाऊँ। अगर मेरे मन में ऐसा स्वभाव आने लगे तो फिर मैं नाटक थोड़ी देख पाऊँगा, फिर तो क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई मेरे मन में। तो जब मैं देखता हूँ तो मैं निष्पक्ष होता हूँ, उसमें मैं नहीं हूँ, मेरी डिमांड्स नहीं है। जो वो हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, उसमें ही मैं खो गया, वो मेरे लिए सब कुछ है, उसे ही देखना मज़ेदार है, वही रस है। तो मैं क्या हो गया? अनसेल्फिश हो गया, प्योर इंडिविजुअल सेल्फ से ऊपर उठ गया। अब ये प्योर इंडिविजुअल सेल्फ से ऊपर उठना क्या है? ये भी एक प्रकार की आध्यात्मिक साधना का प्रारंभ है। अब जब ये बहुत ऊपर उठ जाएगा तो ब्रह्म प्राप्ति होगी, लेकिन उसके बहुत ऊपर उठने के जो तरीके हैं वो दूसरे हैं, वो मात्र कला नहीं है, फिर केवल उतना नहीं है, फिर और बहुत कुछ करना है। फिर आप दर्शन की, योग की, अनासक्ति की, इस सब की भूमिका में आते हैं, तो वहाँ से फिर योग शुरू होता है। तो क्या है? कला आपको योग के लिए, मोक्ष के लिए, ज्ञान के लिए तैयार कर देती है। मोक्ष मार्गम नियच्छति, मोक्ष मार्ग की ओर ले जाती है। वीणावादन तत्वज्ञो जाति श्रुति विशारदः तालज्ञों अप्रयासेन मोक्ष मार्गम नियच्छति। ये याज्ञवल्क स्मृति में कहा गया है कि जो वीणा बजाता हो, वीणा अच्छी तरह से जानता हो, जो उस समय में जो राग इत्यादि होते थे उन्हें जानता हो, तब ताल जानता हो, वो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाता है। तो अपने चित्त की शुद्धि के लिए, अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए, अपने चित्त को उत्कृष्ट करने के लिए कला एक बहुत सशक्त साधन है। तो कलात्मक होकर आप सहृदय हो जाते। जो शब्द एक अच्छे ऑडियंस के लिए हमारे भारत में प्रयुक्त हुआ है वो क्या है? सहृदय, मतलब जिसका जो दिल वाला हो कि कौन किसको क्या तकलीफ है, कौन कैसे जी रहा है, कौन क्या कर रहा है, जीवन क्या है, ये जो जानता हो हृदय, किसने क्या प्रयोग किया, किसने कैसा प्रेजेंटेशन, देखूं क्या किया है उसने, वो तो कला आपको इस तरह से सेंसिटिव बना देती है, अनसेल्फिश बना देती है, अपनी दुराग्रहों से बाहर ले आती है। ये जब अनुभव होगा तो आपको फिर और ऊंची भूमिकाओं का भी अनुभव होगा। आई बात समझ में? दोनों एक नहीं है, यानी योग की समाधि और कला की एकाग्रता, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक के द्वारा दूसरे की ओर हम बढ़ जाते हैं।
और कला जो है वो सांसारिक जीवन को भी अच्छा करती है। तो जैसे देहरी पर, डोर स्टेप पर अगर आप दीपक रख दें तो कमरे के अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी होगा। तो कला इस तरह से है, देहरी द्वीप है कला का। देहरी द्वीप एक प्रयोग है। नमस्कार सर, मेरा नाम अंशिका है। मेरा प्रश्न है, जैसे हम देखते हैं हम कला को अलग अलग रूपों भावों में अभिव्यक्त कर सकते हैं, पर जैसे आधुनिक दौर में जहाँ अलग अलग सोच, अलग अलग समझ के लोग रहते हैं, तो क्या कला पर सीमा होना ज़रूरी है? और अगर हाँ तो मतलब कैसे, किन चीज़ों में? देखिए, कला की सीमा का क्या मतलब है? आपने शायद, आपका अर्थ ये है, आपका आशय है कि अलग अलग सोच के लोग हैं, मतलब कुछ इस प्रकार से विश्वास रखते हैं कि जीवन ऐसा होना चाहिए, कुछ कहते हैं जीवन ऐसा नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए। अब आपका जो विश्वास है, आपकी जो धारणाएं हैं, धर्म है, मत है, दर्शन है, परिस्थिति है, देश है, काल है, नेशनैलिटी है, कला तो आपको उस सब के बाहर ले आती है ना। जब आप मान लीजिए एक प्रसिद्ध नाटक देख रहे हैं, अब वो प्रसिद्ध नाटक, अच्छा नाटक, क्लासिकल, क्लासिकल का मतलब जो हजारों साल से चल रहा है, सैकड़ों साल से प्रसिद्ध है, जब आप वो देख रहे हैं तो आप क्या देखेंगे? मान लीजिए मैं देख रहा हूँ शकुंतला और दुष्यंत को, तो क्या मैं ये सोच के देखूँगा, नहीं मैं तो मॉडर्न इंडियन हूँ, मैं तो बाबा साहब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन मानता हूँ, ये कौन सी दुनिया की बात कर रहा है, हैं? इसमें तो वो कह रहा है कि अगर तू क्षत्राणी है तो मैं शादी कर लूँगा, तो ये तो जात पात की बात हो रही है, लेकिन मैं तो भाई अंबेडकर भक्त हूँ, तो मैं, या कोई अंग्रेज़ देख रहा है, अगर वो देखे कि अरे इसने तो भगवान, एक हिंदू गॉड का नाम ले लिया, तो ये तो हीदन हो गया, विधर्मी हो गया, को मुसलमान देखे तो कह रही है क्या कर रहे, कुरान शरीफ में तो नाटक मना है, इस्लाम में तो इस, ये सारी चीज़ें जायज़ नहीं है। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आप नाटक नहीं देख रहे, आप नाटक अपनी इन सारी अवधारणाओं को अलग रखकर आप वो क्या देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं, आप वो प्रेम का भाव देख रहे हैं, क्योंकि उस भाव को अच्छी तरह से में बैठ जाना, पकड़ लेना, तभी आपके मन में वो आता है। इसलिए एक फिल्म है, भारत के या किसी दुनिया के कोने में बनती है, सारी दुनिया में क्यों चलती है वो ठीक है, कुछ मौलवी कहते हैं मत देखो, कुछ और लोग कहते हैं नहीं उसमें निंदा है, लेकिन लोग जाते हैं, देखते हैं, क्यों? क्योंकि वो देख जो रहे हैं, जो भावात्मक प्रस्तुति देख रहे हैं, जो इमोशनल प्ले देख रहे हैं, वो उसको देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। तो नाटक जो है वो आइडियोलॉजी पे नहीं होता है, क्योंकि कहानी जो होगी वो तो किसी एक टाइम एंड स्पेस में होगी, कैरेक्टर जो होगा वो किसी कंट्री का होगा, किसी पास्ट का होगा, प्रेजेंट का होगा, मध्ययुग का होगा, होगा ना, वो टाइम एंड प्लेस का होगा, और वो टाइम एंड प्लेस मेरे से अलग होगी, जिस टाइम और स्पेस में मैं हूँ, लेकिन मैं उसके टाइम और स्पेस को थोड़ी देखता हूँ, मैं तो उसके इमोशनल एक्सप्रेशन को देखता हूँ, मैं उसके भाव को देखता हूँ। तो ये भावाभिव्यंजना है, भाव को प्रकट करना है, भाव का आनंद लेना है, भाव में प्रवेश करना है, ये इसीलिए कला अच्छी होती है।
इसीलिए कला जो है वो सर्वव्यापी होती है, देश देशांतर व्यापी होती है। अब हम अगर हम अपने आप को जानबूझ के उससे रोक लें तो फिर हम नहीं देख सकते, फिर हम कला देखने के अधिकारी नहीं हैं। हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपनी प्रेजुडिसेस हटानी पड़ेंगी और वो जो इमोशनल प्ले है उसमें कहानी में वो देखना पड़ेगा। और आप ये देखेंगे कि जो बहुत बड़े बड़े नाट्यकार हुए हैं और जो बहुत बड़ा बड़ा काव्य लिखा गया है वो ऐसा लिखा गया है कि उसमें जो थीम्स होती हैं वो इटर्नली ह्यूमन होती हैं। अब रामायण है तो रामायण की मुख्य कथा क्या है? सीता का हरण और सीता को वापस लाना। बाकी सारी चीज़ें तो आगे पीछे बीच में है ना, बहुत सारे पात्र हैं, ये वो हैं, वो सब इंसिडेंटल हैं। मेन चीज़ क्या है? तो अब उसमें बात क्या हुई कि पत्नी प्रेमिका का कोई किडनैपिंग कर लेगा तो उसको सुरक्षित वापस लाना। अब ये यूनिवर्सल है या नहीं है? ये तो यूनिवर्सल हुआ ना, चाहे आप किसी भी देश में रह रहे हो, आपकी कोई भी पॉलिटिकल फिलॉसफी हो, तो इतना तो आप मानेंगे। हाँ, अगर आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी ऐसी है कि जो इनह्यूमन है तो फिर आप कला देखेंगे ही नहीं। इसलिए ग्रेट थीम्स ऑफ आर्ट आर ऑन फंडामेंटली यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स जो जीवन में दुख और सुख के कारण होते हैं, उनको कला में हम लाते हैं, चाहे पेंटिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे नाटक हो, कुछ भी हो। नमस्कार सर। सर मैं राहुल कुमार अजक। सर जैसे आपने कहा साहित्य और संगीत का बहुत गहरा अंतर संबंध रहा है सर, वैदिक काल से लेकर अभी तक, तो सर मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि आधुनिक परिदृश्य में अगर देखें तो दो अलग अलग विभाग बना दी गई है, एक संगीत का और एक साहित्य का। अगर आप किसी विषय संगीत और साहित्य के पर बात करने के लिए या रिसर्च करने के लिए आप जाते हैं तो साहित्य वाले विभाग, ये तो संगीत का विषय है तो आप वहाँ जाएँ, या फिर संगीत वाला है वो साहित्य पे जाए। सर इन दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है और क्या, ये हमारा यूनिवर्सिटियों का दुर्भाग्य है। देखिए पिछले 100 साल से पहले जितनी कविता लिखी जाती थी वो कविता सुनाई जाती थी गा के या सस्वर सुनाई जाती थी। अभी भी उर्दू शायरी में वो परंपरा बाकी है कि आप तरन्नुम के साथ शेर कहते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा पुरानापन उसमें चला हुआ है। लेकिन पहले ऐसा हमेशा था, हर चीज़ के लिए था, यहाँ तक कि इंग्लैंड में और फ्रांस और इन सब में भी जो कविता लिखी जाती थी वो गाकर सुनाए जाने के लिए लिखी थी। फिर धीरे धीरे जब प्रिंट कल्चर आया तो किताब में पढ़ने के लिए कविता हो गई, तब से ये भेद हो गया, तब संगीत का पुट कम हो गया, वरना जितना दुनिया में महाकाव्य है वो सब पढ़ा जाता है, गाया जाता है। और बड़े बड़े महाकवियों को ये पता है, उन्होंने लिखा भी है कि जो हम शब्दों से नहीं कह सकते, यानी व्यक्तार्थ जो डिक्शनरी में होता है उससे नहीं कह सकते, वो हम संगीत के द्वारा कहते हैं। तो इसलिए साहित्य में और संगीत में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही जो सच्चाई है शब्द की उसके दो रूप हैं और दो प्रयोग हैं। और अब फिल्मों में क्या होता है, फिल्मों में जितनी कविता है वो सब गाई जाती है ना इंडियन फिल्म्स में। अब इतने अच्छे अच्छे कवि हैं, फिल्म के लिरिसिस्ट हैं, वो गाए ही तो जाते हैं, उनको खाली पढ़ा थोड़े जाता है। तो वहाँ वो चल रहा है, बस ये विश्वविद्यालय इत्यादि की जो कविता है ना, एकेडेमिक कविताएं, ये पढ़कर सुनाई जाती, इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है।
और जो दूसरा जो है उसमें वो संगीत नाटक एकेडमी का पुरस्कार मिलता है। नमस्कार सर, मैं कनक सिंह। आपने मेंशन किया था कि आजकल सभी को सेक्युलर आर्ट का वो शौक है, सब सेक्युलर आर्ट ही ढूंढते हैं, अगर रिलीजियस आर्ट है तो उसे निग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या वो व्यक्ति जो सेक्युलर आर्ट प्रैक्टिस कर रहा है, किसी भी मायने में रिलीजियस आर्ट प्रैक्टिस करने वाले से संवेदनाओं में या भावनाओं में कम है? क्या वो जिसे हम कहें कि थोड़ा कम ह्यूमन है किसी भी तरीके से? क्या सेक्युलर, अब सवाल ये है कि देखिए, ये मैंने शुरू में क्लियर किया कि ये डिवीज़न वेस्टर्न वर्ल्ड का डिवीज़न है। हमारे यहाँ तो जो भी कविता लिखी गई उसके हमेशा दो माने हुए, उसका एक सेक्युलर प्रयोग भी कर लो और उसमें एक डीपर मीनिंग या स्पिरिचुअल मीनिंग भी ढूंढ लो। ये परंपरा भारत में तो रही है हमेशा से। अब पश्चिम में उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम प्योरली सेक्युलर बनाएंगे, प्योरली अर्थली बनाएंगे, तो वो एक लिमिटेशन हो गया। अब मेरी दृष्टि में तो वो कम है क्योंकि उसका फैलाव कम है, जिसको कहते हैं व्याप्ति कम है उसकी। अगर आप ऐसी बात कहें कि जिसकी जो दूर तक जाए उसमें बहुत से लोग सम्मिलित हो सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है, और कोई ऐसी चीज़ कहें कि जो बहुत ही छोटी हो। हेलो सर, मेरा नाम सुनील शुक्ला है। मैं जानना चाहता हूँ कि सर, जो एंशियंट आर्ट है और जो मॉडर्न आर्ट है उसके बीच में क्या डिफरेंस है? एशियन आर्ट और मॉडर्न आर्ट के बीच में, ठीक, एंशियंट आर्ट और मॉडर्न आर्ट। देखिए, पहली बात तो ये एंशियंट आर्ट कहाँ की। दुनिया में बहुत सी संस्कृतियाँ हुई जो एंशियंट थीं, 10-12 संस्कृतियाँ बहुत बड़ी बड़ी, उनकी आर्ट उनमें और मॉडर्न आर्ट में। पहला तो इसका ये एक सवाल उठता है। अब अगर हम केवल लें एंशियंट इंडियन आर्ट को और मॉडर्न इंडियन आर्ट को, तो देखिए, भारतवर्ष की जो संस्कृति है, मॉडर्न संस्कृति, वो संस्कृति यूरोप की मॉडर्न संस्कृति से बहुत फ़र्क है। इसलिए जो भारतवर्ष की मॉडर्न आर्ट है वो यूरोप की मॉडर्न आर्ट से बहुत फ़र्क है, और यूरोप के अंदर भी अलग अलग देशों के टेस्ट और उनका कहने का तरीका, बात करने का तरीका, वो भी फ़र्क होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक देश और काल की तरह से होती हैं। जैसे कहीं कोई एक मूवमेंट चलती है, अब फ्रांस में कुछ मूवमेंट्स चली, कुछ दर्शन था उनका, जैसे एक एग्जिस्टेंशियलिज्म चला, एब्सर्डिज्म चला, तो उस दर्शन में निराशा थी, वो निराशावाद दर्शन, घोर निराशावाद दर्शन, जिसमें जॉन पॉल सात्र और डेरिडा तो अब आज है, ये क्या कहते हैं, जॉन पॉल सात्र और सल्वाडोर दाली और ये सारे लोग थे। तो वहाँ क्या था कि उन्होंने जो जीवन दर्शन बनाया वो एक अवसाद का जीवन दर्शन, थकान का, जिसमें कोई आशा नहीं है, निराशा का दर्शन। उनकी कला उस हिसाब से बनी हुई थी। और उनकी एंशियंट आर्ट देखें तो उनकी एंशियंट आर्ट तो ज़्यादा लंबी नहीं है, वो तो 300-400 साल से ज़्यादा यूरोप का इतिहास नहीं, तो वो धार्मिक थी, तो उसमें ईसाइयत की जो भी बातें हैं वो सारी थी। और फिर क्या लक्ष्य है जीवन का, किस चीज़ का हमें आनंद लेना है, ये कला का में आ जाता है। तो इसलिए ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की रही है, एंशियंट टाइम्स में भी और मॉडर्न टाइम्स में भी। भारत के अंदर हम हमेशा कहीं ना कहीं अपनी परंपरा को जोड़ कर चलते हैं, तो हमारे यहाँ जो कलाएं हैं या हमारे यहाँ जो लोगों ने लिखा है या जो काव्य की रचना की है, उसमें हमने अपने पुराणों को, अपने रामायण महाभारत को,
भुला नहीं दिया है। तो अगर आप अंधा युग पढ़ोगे धर्मवीर भारती का, तो वो महाभारत की कथा है, महाभारत का ही सीन है उसमें। तो भारत के अंदर जो मॉडर्निटी है उसमें परंपरा का बहुत बड़ा समावेश है, और वही भारत की कला में बार बार नज़र आता है, क्योंकि वो भारत का जीवन है। बाकी जगहें, बाकी प्रांतों में दुनिया के बहुत कुछ जो प्राचीन था वो ख़त्म हो गया, वो केवल म्यूज़ियम में रखा है। लेकिन भारत में जो म्यूज़ियम में रखा है वो प्रयोग में भी आ रहा है। अब पंजाब में शादी होती है तो वो चूड़ा पहनते हैं ना, अब आप जाके देखोगे हड़प्पा के अंदर तो वहाँ भी चूड़ियाँ स्त्रियों ने वो पंजाबी चूड़े की तरह से पहनी हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें भारतवर्ष की अभी प्रयोग में हैं, जीवन में हैं, इसलिए ऐसा ही कला में भी है। आज भी हम नाटक लिखते हैं तो हम अपने पुराने नायकों को भुलाकर नहीं लिखते, वो नायक हमारे कथाओं में फिर प्रकट हो जाते हैं। हेलो सर, मेरा नाम आयुष है सर। मेरा सवाल बस इतना है कि कला का पहचान, कला जो एक व्यक्ति के लिए कला है दूसरे के लिए नहीं है, तो सर सामाजिक स्तर पर हम उस कला को कैसे मतलब व्यक्त कर सकते हैं, क्या वो कला है या नहीं? देखिए, धन्यवाद सर। हाँ, अब ये सवाल आप पूछ रहे हैं कला के बारे में, अब टूथपेस्ट के बारे में तो आप पूछते नहीं ये सवाल कि भाई ये टूथपेस्ट है या नहीं है, या आप रेडियो के बारे में ये सवाल नहीं पूछते, या टेलीविज़न के बारे में नहीं पूछते, ये कला के बारे में क्यों आपके दिमाग में आता है? आप शायद दूसरी बात कह रहे हैं, आप बात ये कह रहे हैं कि ये जो कला है ये मेरे लिए ठीक है या नहीं। अगर मैं रामायण देखने जाऊं तो मेरे लिए रामायण देखने जाना, रामलीला देखने जाना ठीक है या नहीं है, या मैं स्ट्रीट प्ले देखने जाऊं तो वो मेरे लिए ठीक है या नहीं है, ये प्रश्न आपका है वास्तव में। अब इसका एक ही जवाब है कि आप अपने आप को भूल कर के क्या ठीक देखना है, क्या कौन सी कला अच्छी है वो छोड़िए, आप देखिए जो भी आपके सामने आ रहा है। अब नाटक तो नाटक है, फिल्म तो फिल्म है, आप उसे देखेंगे, आपको पसंद आएगी या पसंद नहीं आएगी, आपको उसमें रस लगेगा, आपको उसमें मन लगेगा, आपको कुछ उसमें सीखने को मिलेगा तो वो उपयोगी है। तो उसमें एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, कला तो हर व्यक्ति को उपहार ले आती, हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत धारणाओं से उसको ऊपर लाती, आप समझे। आपको जो उस काव्य में है, जो उसमें कहा जा रहा है उसका आनंद लेना है, उसको ये नहीं कहना कि अरे ये तो मेरे धर्म के खिलाफ कह रहा, ये तो मेरे जो मेरी माँ ने सिखाया था उसके खिलाफ बता रहा है, ये नहीं है। आप वो देखिए कि वहाँ कहा क्या जा रहा है, सहृदय होकर देखिए। तो ये सवाल कि माई मीट इज़ योर पॉइजन एंड योर पॉइजन इज़ माई मीट, ये एक विशेष दर्शन है। मेरा प्रश्न था एक सर, आपके कई व्याख्यानों में मैंने सुना भी है सो कॉल्ड जो कैटेगराइजेशन है क्लासिकल और फोक का, तो हम इसके जगह हम क्या शब्दावली का प्रयोग करें? हाँ, समझ में आ गया, इनका बहुत अच्छा प्रश्न है। फोक और क्लासिकल के बारे में कुछ कहा है, और लोकधर्मी नाट्यधर्मी इत्यादि इसके बारे में भी बताया है, जो कि नाट्यशास्त्र में भी आता है और फोक और क्लासिकल के बारे में आता है। देखिए, भारतवर्ष में हमने फोक और क्लासिकल का डिस्टिंक्शन तो किया है इस तरह से कि ये यहाँ होता है और वो थोड़ा दूसरी जगह होता है, ठीक है। जैसे एक 26 जनवरी पर परेड निकलती है दिल्ली में, और फिर परेड निकलती हैं अलग अलग प्रांतों में, लेकिन उनके
भाव में उनकी गरिमा में कोई अंतर नहीं होता। तो हम फोक, जिसको फोक कहा गया है, उसको हम देशी कहते थे, ग्राम में भी नहीं कहते थे, ग्राम में नहीं कहते थे कि गंवार नहीं कहते थे, देशी कहते थे कि ये देश में प्रदेश छोटे छोटे देश के टुकड़ों में हो रहा है। और जो बहुत लोगों ने किया है, बड़े लंबे समय से चला आ रहा है, जिसकी शिक्षा बहुत प्राचीन शिक्षा है, उसको हम, पहले तो कोई नाम नहीं था लेकिन बीच में मार्गी कहा जाने लगा, या जिसको हमने अंग्रेज़ी आने के बाद क्लासिकल कहना शुरू कर दिया। तो क्लासिकल शब्द तो अंग्रेज़ों का है, जो एक क्लास का है, एक ख़ास अभिजात वर्ग का है, शहरों में रहते हैं, राजाओं के महलों के नज़दीक रहते हैं, एलीट हैं, उनका है वो क्लासिकल। ये हमारे यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ था श्रेष्ठ है, मध्यम है या अधम है, कहीं का भी हो, चाहे गांव में से निकला हो, चाहे प्रांत में से निकला हो, चाहे देश में से निकला हो, चाहे शहर से निकला हो। तो कहाँ वो उपजा है, इसके बारे में उसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन नहीं था। वो है क्या, वो विधा क्या है, वो शैली क्या है, उसके बारे में था। वो गायन है, वो संगीत है, वो क्या चीज़ है, नृत्य है, ये था, और उसके नाम थे। और वो जगह जगह हमारे यहाँ हुआ करता था, छोटे छोटे गांवों में बड़े बड़े संगीतकार हुआ करते थे, वो कभी आके राजदरबार में भी बैठ जाते थे, जैसे तानसेन बैठ गए, वरना वो तानसेन तो एक छोटे से रीवा नरेश, एक ज़मींदार के यहाँ थे। तो इसलिए ये हमारे यहाँ नहीं रहा है। आप इन सब चीज़ों को ध्यान से समझिए। तो जैसे अब आप कोई भजन गा देते हैं तो लोग कहते हैं साहब ये तो भजनीक है, ये तो फोक है। अगर वो मीठा है, अगर वो रम्य है, अगर वो स्वर में है, अगर वो अच्छा है, तो वो इट इज़ एज गुड एज क्लासिकल। अब लता मंगेशकर क्लासिकल है या फोक है? KL सहगल क्या है? वो क्लासिकल है। अब आज आप KL सहगल को क्या कहते हैं? क्लासिकल ही तो कहते हैं, क्योंकि वो आज तक सुना जा रहा है। जो 100, 200, 500 साल तक सुना जाएगा वही क्लासिकल।